इन छह गुरुओं की संपत्ति बताती है कि योग हेल्थ के लिए ही नहीं वेल्थ के लिए भी अच्छा है। आपको क्या लगता है किस बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है? कंस्ट्रक्शन में, सोना चांदी के व्यवसाय में, खाद्य उत्पादों में या कोई और? छोटे से छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, लेकिन आपकी नजरों से दूर एक व्यवसाय ऐसा भी है जिसने कई लोगों को करोड़पति अरबपति बना दिया है। नजरों से दूर इसलिए क्योंकि यह व्यवसाय फलफूल रहा होता है जब आप चादर तान कर सो रहे होते हैं। यह है योग का व्यवसाय जिसने कई लोगों को करोड़पति बना दिया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं देश के कुछ अमीर योग गुरुओं के बारे में। दोस्तों ये आंकड़े जो कि मैं अभी बताने वाला हूं वो इंटरनेट पर रिसर्च के दौरान प्राप्त हुए हैं। नंबर एक पर हैं बाबा रामदेव जी। इनका मेन व्यवसाय है पतंजलि योग। अदर व्यवसाय हैं रियल एस्टेट, जैविक एफएमसीजी उत्पाद, योग शिविर। इनकी टोटल संपत्ति है 5,000 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पे हैं योगी हरभजन सिंह। ये कुंडलिनी योग में माहिर हैं। इनका दूसरा व्यवसाय है सुरक्षा सेवा। इनकी संपत्ति सालाना 100 करोड़ डॉलर। नंबर तीन पर हैं भरत ठाकुर। ये आर्टिस्ट योग में माहिर हैं। इनका दूसरा व्यवसाय है योगा सेंटर, पैकेज्ड वाटर, फिल्म प्रोडक्शन। इनकी संपत्ति है 10 करोड़ डॉलर। चौथे नंबर पर हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। ये हट योग में माहिर हैं। इनका दूसरा व्यवसाय रियल एस्टेट, योग केंद्र और बंदूक के कारखाने। इनकी टोटल संपत्ति है 500 करोड़ रुपए। पांचवें नंबर पर हैं विक्रम चौधरी। ये विक्रम योग में माहिर हैं। इनका दूसरा व्यवसाय है योगा स्कूल एवं पेटेंट रॉयल्टी। इनकी टोटल संपत्ति है 7.5 करोड़ डॉलर। छठे नंबर पर आते हैं श्री श्री रविशंकर जो कि आर्ट ऑफ लिविंग से हैं। इनका मेन व्यवसाय है आर्ट ऑफ लिविंग की कार्यशाला। दूसरा व्यवसाय है फार्मेसी एवं स्वास्थ्य केंद्र। इनकी टोटल संपत्ति है 1100 करोड़ रुपए। दोस्तों ऐसे कई और भी योग गुरु हैं जिन्होंने योग के द्वारा बहुत सा पैसा कमाया है। योग आजकल दुनिया भर में बहुत फेमस हो गया है। बहुत सारे विदेशी योग टीचर बनने के लिए इंडिया में बहुत सी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कुछ रोमांचक कहानियों या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फैक्टिसा चैनल को।